ऋषि मुसन्ना फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपना पेन ड्राइव की स्पीड बढ़ा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन कीजिए। आप जिस पेन ड्राइव की स्पीड बढ़ाना चाहते हो उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए एंड उसका डेटा बैकअप ले लीजिए। चलिए मैं मेरा पेन ड्राइव की नॉर्मल स्पीड दिखा देता हूँ। देखिए एक 30 MB का वीडियो फाइल है, चलिए इसे हम कॉपी करके देख लेते हैं कितना स्पीड देता है। देखिए कॉपी हो रहा है और इसका स्पीड यहाँ पे दिखा रही है 7 से 8 MB। चलिए इसका स्पीड हम बढ़ा देते हैं। उसके लिए पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, देन फॉर्मेट में क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देखिए फाइल सिस्टम जो कि FAT32 है उसे चेंज कर लीजिए। चेंज करके NTFS कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट में क्लिक कीजिए एंड ओके में क्लिक कीजिए एंड यस में क्लिक कीजिए। देखिए मेरा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया। चलिए अब हम इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक फाइल है जिसका साइज 5 GB के आसपास है, चलिए इसे हम कॉपी करके देख लेते हैं। और ये देखिए कॉपी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड देख लीजिए कितना फास्ट कॉपी हो रहा है। दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया कैसे अपना पेन ड्राइव की स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी बात, मेरी AC और कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।